10 जून 2021 को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण अपने आप में बेहद खास इसलिए है क्योंकि ये इस साल का पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। क्या होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण? सूर्य ग्रहण कितने तरह का होता है? इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे, साथ ही आपको सूरज के बारे में 30 दिलचस्प जानकारियां भी देंगे। हमारा दावा है कि आप इनमें से ज्यादातर के बारे में नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस साल की बेहद दिलचस्प खगोलीय घटना के साथ, जो 10 जून को होने वाली है। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा जिसमें चंद्रमा की परछाई पूरी तरह से पृथ्वी को ढक लेगी। ऐसे में केवल सूर्य की बाहरी परत ही दिखाई देगी। ग्रहण में सूर्य के लगभग 94% भाग को चंद्रमा छिपा लेगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण होने की वजह से दिन में अंधेरा छा जाएगा, दिन में रात का सा नजारा दिखाई देने लगेगा। इस बार सूर्य ग्रहण कोरोना काल में पड़ रहा है, हालांकि भारत में ये ग्रहण आंशिक रूप से ही होगा। अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग, यूरोप और एशिया में भी आंशिक ग्रहण ही होगा, जबकि पूर्ण सूर्य ग्रहण उत्तरी कनाडा, ग्रीनलैंड और रूस में होगा। हमारी आकाशगंगा से सूर्य इकलौता तारा नहीं है, ऐसे करीब 2 अरब तारे हैं, लेकिन सूर्य इकलौता तारा है जो धरती के करीब है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट सूरज ही है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख धरती समा जाए। 10 जून के सूर्य ग्रहण की टाइमिंग क्या है, आप इसे कहां से देख सकते हैं और सूर्य ग्रहण आखिर होता कितनी तरह का है? तो इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 10 जून को दोपहर 1:42 से शुरू होकर शाम 6:41 तक रहेगा, यानी ठीक 5 घंटे तक। लेकिन पूरे भारत में ये सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, जिसे उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में ही देखा जा सकेगा, वो भी बेहद कम वक्त के लिए और आंशिक तौर पर। इस बार सूर्य ग्रहण पूर्ण सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण 3 तरह का होता है। पहला पूर्ण सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण को धरती के एक छोटे से हिस्से से ही देखा जा सकता है। इसमें चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में बिल्कुल एक सीधी रेखा में आ जाता है। इस स्थिति में सूरज से आती रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा की छाया बनती है। ये छाया धरती पर पड़ती है। जिस जगह पर यह छाया पड़ती है वहां के लोग सूरज को नहीं देख पाते हैं, उन्हें ये घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देती है। सूर्य ग्रहण का अगला प्रकार है आंशिक सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूरज के बीच चंद्रमा आता तो है, लेकिन तीनों एक सीधी रेखा में नहीं रहते। ऐसी स्थिति में जब सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है तो चांद की पूरी छाया धरती पर नहीं पड़ती। इस आंशिक छाया वाले क्षेत्र में धरती पर रहने वाले लोगों को सूरज भी आंशिक रूप से दिखाई नहीं देता। सूर्य के कुछ हिस्से का दिखाई देना और कुछ हिस्से का नहीं दिखाई देना ही आंशिक सूर्य ग्रहण है। तीसरी तरह का सूर्य ग्रहण वार्षिक सूर्य ग्रहण है, जो साल भर में सिर्फ एक बार आता है। इस स्थिति में चंद्रमा धरती से सबसे अधिक दूरी पर रहता है, इसलिए छोटा दिखता है। इस स्थिति में चंद्रमा जब सूरज और पृथ्वी के बीच एक सीधी रेखा में आता है, तो उसकी छाया धरती पर छोटी बनती है। चंद्रमा की दूरी धरती से ज्यादा होने के कारण ये सूरज को पूरी तरह ढक नहीं पाता। चांद के चारों ओर से सूरज के किनारे का हिस्सा दिखाई देता रहता है। इस स्थिति में सूरज एक चमकदार सुनहरी रिंग की तरह दिखाई देता है, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं, और यही वार्षिक सूर्य ग्रहण कहलाता है। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन कई और देशों में तो दिखेगा ही।